आज मैं आपको कब्ज और बवासीर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव से एक रेमेडी देने जा रही हूँ। ये रेमेडी पाइल्स को तो पूरी तरह से ठीक करता ही है, साथ साथ अगर आप इसे अल्सर के पेशेंट हैं उसमें भी लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। लहसुन में ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो पुरानी से पुरानी कब्ज और पाइल्स फिशर फेस्टुला जैसी समस्या को दूर करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इससे न्यू वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। लहसुन में जो होता है, जो उसके फ़ायदे क्यों होते हैं, लहसुन कहा जाता है कि लहसुन का सेवन करने से जो पाइल्स के रोगी होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट मिलता है, क्योंकि जो पाइल्स एक ऐसी समस्या होती है जिसमें रोगी के एनस में अंदर और बाहर दोनों हिस्सों में मस्से निकल आते हैं, जिससे स्टूल्स पास आउट होते समय इसमें कभी कभी ब्लीडिंग की भी समस्या होती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए लहसुन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि लहसुन क्यों इफ़ेक्टिव है, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है, इसे किस तरह से हमें सेवन करना चाहिए कि कब जो पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि पाइल्स की समस्या को दूर करता है, साथ साथ मसलों को भी अंदर और बाहर दोनों तरफ से ठीक करता है। उसमें ब्लीडिंग की अगर समस्या है तो उसे भी ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो ये लहसुन होता है इसमें तत्व क्या ऐसे पाए जाते हैं। लहसुन में जो तत्व होता है वो प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी होती है, फाइबर होता है, ऊर्जा, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, शुगर, फॉस्फोरस और पोटेशियम, थियामिन, वाइटामिन सी, फोलेट और वाइटामिन B6, कॉलिन आदि ऐसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पेट में जाके ऐसी समस्याओं को दूर करते हैं। अगर कब्ज है पुराने से पुरानी, या फिर उस कब्ज की वजह से आपको पाइल्स की समस्या हो गई जिसमें मस्से अंदर बाहर दोनों तरफ से है और इसमें ब्लीडिंग भी आता है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करेगा। साथ साथ ये सूखी पाइल्स है, यानी सूखी बवासीर हो या फिर ब्लीडिंग वाली बवासीर, दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। पाइल्स में जो होता है लहसुन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आयुर्वेद में भी बताया गया है कि पाइल्स के रोगियों के लिए लहसुन का सेवन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लहसुन में उच्च क्वांटिटी में फाइबर्स होते हैं जो कि पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या को पूरी तरह से दूर करते हैं। स्टूल्स जो होते हैं मुलायम होते हैं और स्टूल्स पास आउट होने के समय पर दर्द भी नहीं महसूस होता। तो मैं आपको बताएंगे कि लहसुन का सेवन पाइल्स के पेशेंटों को किन चीज़ों के साथ करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। एक तरह का स्टूल सॉफ्टनर भी है लहसुन। रोज़ाना नियमित रूप से लहसुन खाने से जो पाइल्स ब्लीडिंग वाली पाइल्स होती है या फिर सूखी बवासीर होती है, दोनों से छुटकारा मिल जाता है। बहुत इफ़ेक्टिव है दोनों तरह के पाइल्स के पेशेंटों के लिए। तो इससे क्या होता है, बाउल मूवमेंट में भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है, यानी स्टूल्स को ये सॉफ्ट करता है जिससे कि आसानी से स्टूल पास आउट होते हैं और मसलों को भी ये कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसका अगर आप लगातार सेवन करेंगे जैसे बताया जाएगा तो इससे क्या होगा, आपके जो मसले हैं वो भी अंदर और बाहर से दोनों तरह से सूख जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि लहसुन का आप किस तरह से सेवन करिए अगर आप बवासीर के पेशेंट हैं। इस तरह से जो हम बताएंगे इसे आप पाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का घाव है, अल्सर है, तो अल्सर के पेशेंटों के लिए भी लहसुन बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि लहसुन को हम कैसे सेवन करें कि दोनों तरह की बीमारी में ठीक किया जा सके। लहसुन को अगर शहद के साथ डुबा के खाया जाए तो इससे जो होता है पेट के अंदर ये शहद जब मिक्स हो जाता है तो इसके मिश्रण से प्रोटीन, एंजाइम, जरूरी खनिज और एमिनो एसिड की मात्रा इसमें पाई जाती है, जिससे पाइल्स के प्रभाव को ये कम करता है। सुबह सुबह इसे आपको खाना है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक कली, यहाँ पे सिर्फ इस रेमेडी में आपको एक कली लहसुन की लेनी है। उसे छोटा छोटा पतला पतला सा फाइन चॉप कर लीजिए या फिर आप इसे कद्दूकस कर लीजिए, जैसे भी आप आसानी से खा सकते हैं उस तरह से आप इसे कर लीजिए, या तो बारीक बारीक जैसे हमने काटा इस तरह से काट लीजिए, या फिर आप कद्दूकस कर लीजिए बारीक सा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा लहसुन बनके तैयार हो गया है, या फिर आप खड़े लहसुन की कलियाँ खा सकते हैं, तो एक खड़े लहसुन की कली को लेके, जैसे हम बता रहे हैं शहद इसमें यूज़ करना है, शहद के साथ जब ये मिलता है, जैसे कि हमने बताया है कि जब शहद के साथ ये मिल जाता है तो बवासीर के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम एक चम्मच शहद इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो एक चम्मच शहद ऐसे ले लीजिए और फिर आप एक कली लहसुन को इसमें डिप करा के आप सुबह सुबह शहद को भी आप खा लीजिए, उसके साथ लहसुन को खा लीजिए। या फिर जिस तरह से देखिए हमने बारीक चॉप किया है इन टुकड़ों को, इस शहद में देखिए इस तरह से हम डिप करते जा रहे हैं, और इसी तरह से चम्मच के साथ ही शहद और लहसुन की कलियों को जैसे हमने पूरा इसमें डिप किया है, पूरा इसी तरह से आपको सुबह सुबह खाली पेट खा लेना है।
यानी खाली पेट का मतलब है आप कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करेंगे। फ्रेश होके जब आते हैं तो आप इस तरह से शहद के साथ ऐसे लहसुन की कलियों को इसमें डुबा लीजिए। एक कली आपको एक दिन में यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी ये लहसुन की सिर्फ एक कली को इस तरह चॉप करके और शहद में इस तरह डिप करा के आप सुबह सुबह खाली पेट इसको खाइए। इसको खा के देखेंगे, आप देखेंगे आपकी जो कब्ज की समस्या वो भी दूर हो जाएगी, साथ साथ ये बवासीर के मसलों को भी अंदर बाहर दोनों तरह से ठीक कर देगा। और अल्सर के पेशेंट भी इस तरह से शहद और ये जो लहसुन है इसको एक साथ यूज़ करके खा सकते हैं। इससे पेट के घाव, जो अल्सर के घाव हो जाते हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो पाइल्स के पेशेंट हैं उनको मसों की सिकाई करना बहुत ज़रूरी है। यानी जब वो सिकाई करेंगे इस तरह से गुनगुने पानी में कैस्टर ऑयल डाल के सिकाई करें। इसका वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, आप इसका प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा। साथ साथ आपको फाइबर से रिच खाना खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट खाइए, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, फ्रूट के जूस पीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितने ही ताज़े फल सब्जियाँ ये सब खाएंगे आपको फाइबर्स की मात्रा पर्याप्त मिलेगी। इसके अलावा आपको करना क्या है, छाछ जरूर बना के दिन में अजवाइन और जीरे का पाउडर डाल के कम से कम तीन बार पीना है। तीन गिलास का मतलब है एक बार सुबह पी लीजिए, फिर दोपहर में पी लीजिए, फिर 3 से 4 बजे के करीब पी लीजिए। दिन में 3 बार आपको छाछ जरूर पीना चाहिए, इससे आपका पेट हाइड्रेट रहे। और इसके अलावा आपको ज़्यादा डीप फ्राई वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़, बाहर के फास्ट फूड, ये सब आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। एक्सरसाइज में फिजिकल एक्सरसाइज आप जो भी कर सकते हैं आसानी से उसे करिए। अगर हो सके तो आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम में जो से दो एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम और कपालभाती, ये दो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इसके जो आपके जो छोटी आँतें और बड़ी आँत होती हैं यही जो है वर्क करना कम हो जाती है, जिससे कि स्टूल सारे हार्ड होने लगते हैं। इनको दम ताकत मिलेगी और ये एक्टिव हो जाएंगे काम करने में, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो भी बूस्ट होगा और स्टूल से सॉफ्ट होंगे। ये जो रेमेडी आपको बताई गई है शहद के साथ ये लहसुन का सेवन करना, ये स्टूल सॉफ्टनर का भी काम करता है। तो इस तरह सुबह सुबह आप खाली पेट इसे खाइए, आप देखेंगे इसको खाने के बाद 10 दिन में ही आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एक ही दिन में रिजल्ट आप मत देखिए कि एक दिन आपने किया आपको उसका फ़ायदा नहीं हुआ, कम से कम इसे कंटिन्यू आपको 8 से 10 दिन जरूर करना है, फिर आप देखेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दिन में सिर्फ एक बार सेवन करना है, वो भी सुबह खाली पेट। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लोगों को साथ शेयर जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आपके लाइक आते हैं तो मोटिवेशन होता है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।